हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और अब अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के 9:30 बज चुके हैं और अभी हम लोगों ने नहाया ही है, सिर्फ ब्रश वगैरह किया है, तो जा रहे हैं हम लोग अभी चाय पी के आते हैं, फिर नहाएंगे। तो आज हल्दी का फंक्शन है, मेहंदी है और कल शादी है। तो चलिए आज की वीडियो को इन्जॉय करिएगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है रूम, रात के 2 बजे हम लोग इस रूम में शिफ्ट हुए हैं और यहीं पे सो गए हम। तो अभी 3 बजे सोए हैं और 5 बजे जग गए थे, आदत पड़ी हुई थी। और ये लोग अभी जगे हैं और जा रहे हैं हम लोग घर पे अभी। तो वहाँ थोड़ा सा इन लोग को ब्रश वगैरह करा के तब आते हैं, और बाथरूम वगैरह है लेकिन तब भी। अभी मैंने कल का ही सूट पहन रखा है, तो अभी चलते हैं और बच्चों को तैयार करके तब आते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में। और आज मेहंदी है, हल्दी है, तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, जो बहुत अच्छा होने वाला है और आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो फॉर एंजॉय। तो अभी हम लोग निकलते हैं रूम से और चलते हैं घर पे, तो देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। और ये देखिए हमारे रूम के आगे ये रेलिंग है, कितनी ख़तरनाक है ना। काफ़ी गैपिंग भी थी तो बच्चों को खड़ा करने में डर भी लग रहा था कि पूर्ति तो निकल जाएंगी तो सीधे डायरेक्ट नीचे ही नज़र आएंगी। तो और यहाँ पे काफ़ी धूप आ गई थी और पूर्ति ने सैंडल भी नहीं पहन रखी थी, पैर भी जल जाता। और इस साइड से जो जीने के साइड से उतरने वाला, ये देखिए कितना स्पेस है, मतलब आराम से बच्चे क्या बड़े भी गिर सकते, इसलिए इसने ये लगा रखा है। लेकिन बहुत ही ख़तरनाक था ये, और मुझे तो बहुत डर लग रहा था बच्चों के लिए। हम लोग तो है ही हैं, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ थी। और यहाँ पे जो रूम थे ये सब बुक हो चुके थे पहले से ही, मतलब सब शादी के लोग ही आए थे, लेकिन हम लोग को तो बहुत ही दूर उनको सेपरेट कर दिया है सबने। और यहाँ पे भी देखिए सीढ़ियाँ हैं, और ये मंदिर है, मंदिर में ही ये मतलब गेस्ट हाउस टाइप का बना रखा है। लेकिन यहाँ पर अच्छा लग रहा था क्योंकि ये पीपल का पेड़ था, इसके नीचे भी भगवान रखे थे, और ये पूरा ही मंदिर था और मंदिर के अंदर का साइड था वो गेस्ट हाउस। तो चलिए चलते हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी सी दूर है, बस यहाँ से जैसे एंटर करेंगे ये चौराहे को और ये सामने वाली जो रास्ता दिख रही है बस इसके अंदर जाएंगे, और 3 से 4 घर बाद मामी जी का घर है। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए मेरी खड़ी है गाड़ी, और ये छोटी मामी जी, बड़ी मामी जी का घर है, इसमें द्वंद्र बाल लगा है या कुल खड़ा है, तो ये बीच वाली मामी जी का घर है। तो बस आ चुके हैं, और यशी भी यहाँ पे मिली है, सो के उठी है, उसके मुंह में कुछ लगा था तो मैंने कहा क्या खा रही हो चुरा चुरा के तुम। तो बस ऐसी हंसी मजाक हुई है, और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो चलिए जल्दी से बच्चों को करा देते हैं ब्रश। वहाँ पे बच्चे नहीं कर रहे थे तो मैंने कहा चलो तुम्हें घर पे करा देंगे। शादी ब्याह में मतलब थकान तो हो ही जाती है और नींद भी नहीं पूरी हो पाती है सही से, और इनको तो बैठे हुए हर रस्म में बैठना ही बैठना है। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर और बच्चों को कराते ब्रश। ये बड़ी मामी जी और मौसी जी मुझसे पूछ रही है तुमने नहा लिया? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं नहाया, मैं जा रही हूँ बस फटाफट से नहाने। तो बस यहाँ पे करा देते हैं इन लोग को ब्रश। ब्रश करा कर फिर तुरंत ही हम लोग निकल गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मामी जी साथ में आई हैं और सूर्यांशी उनके साथ में ही है और पूर्ति को मैंने ले रखा है। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट लग गया था, ब्रेकफास्ट में यहाँ पे था पोहा और ब्रेड पकौड़ा और चाय और जलेबियाँ गरम गरम। तो चलिए आप लोग भी आकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और यहाँ पे चल रही है हल्दी की डेकोरेशन, और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ पोहा, सबको ले आई हूँ, इस बच्चों को भी दे दिया है मैंने, खा लेंगे। और मैंने सिर्फ थोड़ा सा पोहा खाया था, मेरा मन नहीं कर रहा था। चल रही है और जब तक नींद नहीं पूरी होती तब तक भूख भी नहीं ढंग से लगती है। और बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं बलून से, थोड़ा सा खेल लें उसके बाद फिर ले चलते हैं इनको तैयार करने के लिए। फिर हल्दी के लिए सबको डेकोरेशन तो हो ही रही है, यहाँ पर सबको तैयार भी करना है।
तो ये देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन है। आजकल तो यही ट्रेडिशनल डेकोरेशन चल रही है। उसके बाद फिर हम लोग देखिए फिर से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और चढ़ने के बाद सब यहाँ पे मौसी जी मौसा जी ये सब लोग रुके हुए हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं रूम में, और अब हम लोग करते हैं तैयार होने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने पूर्ति को ये ड्रेस पहना दी थी फ्रॉक, और सूर्यांशी को येलो कलर का कुर्ता पहनाया था जो मैं उसके लिए हल्दी वाले दिन के लिए लाई थी, और अपने लिए ये साड़ी पहनी है। ये साड़ी मेरे ब्याह के टाइम की है, जब रात में ब्याह पे बैठते हैं येलो कलर की साड़ी पहन के। तो ये साड़ी वही साड़ी है रखी थी, तो मैंने कहा क्या करना परचेज करके यही यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, अच्छी तो लग रही है लेकिन बहुत हल्की है, तो ये भाग रही थी थोड़ी सी, हल्की बहुत थी तो नीचे से उठी जा रही थी बार बार, लेकिन ठीक कर करके मैंने पहन ली और अपना हल्दी का फंक्शन भी निपटा लिया था इसी साड़ी से। तो कैसी लगी आपको ये साड़ी प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर। और मैं बस थोड़ा सा यहाँ पर लिपस्टिक लगा लेती हूँ। मैंने क्रीम में सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा लगाया था और एक मॉइस्चराइजर क्रीम, और कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा, और सिर्फ लिपस्टिक और एक बिंदी लगा लेंगे। बालों को थोड़ा सा कॉम कर लिया था बस, और कुछ नहीं किया था। और इयररिंग्स भी पहन ली थी येलो कलर की, मेरे पास रखी थी तो मैंने कहा चलो आज पहन लेंगे, बहुत टाइम से रखी थी तो मैंने कहा चलो इसमें काम आ जाएंगी, वरना फिर कहाँ पहनना हो जा हो पाता है। और मेरा तो मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं है घर में रह करके ये सब चीज़ें पहन करके वीडियो बनाना ये सब, क्योंकि काम ही इतने हैं। काम करें कि मतलब अपने आप को तैयार करके घूमें, तो जिसके पास जिम्मेदारियां होती हैं वो अपने आप को नहीं देख पाता है, लेकिन यहाँ तो ज़रूरी है, यहाँ पे तो फंक्शन है तो तैयार होना पड़ेगा। तो बस यही थी हमारी छोटी सी तैयारी हल्दी के लिए। हल्दी का पूरा वीडियो देखने के लिए इसका आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अपना प्यार दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, वीडियो को कमेंट भी करिएगा। तो चलिए लेते हैं विदा, मिलते हैं अच्छे से न्यू से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।